मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज से आज अन्नदाता सड़कों पर है। धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाला किसान आज दिल्ली को गोलबंद किए हुए है। पंजाब से चला यह आंदोलन, हरियाणा का समर्थन मिला इसे, दिल्ली का समर्थन मिला, राजस्थान का समर्थन मिला, गुजरात का समर्थन मिला, पूरा देश का किसान आज आंदोलन है अपनी मांगों पर लेकर, यानी कि दिल्ली के अंदर चारों तरफ यानी कि घिरा हुआ है। आज पांचवें दौर की वार्ता चलनी है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच में भी इसी किसानों के मुद्दे को लेकर वार्ता हो रही है। कुछ यहाँ के किसान हैं, कर्मचारी नेता हैं, तो आइए जानते हैं कि सुरेंद्र यादव जी से कि क्या कार्यक्रम है आपका और क्या आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा किसान आंदोलन के समर्थन में और आज तमाम किसानों के संगठन और हमारे साथ बास के किसान इकट्ठा होकर आए हैं जो दिल्ली को कूच कर रहे हैं किसानों के आंदोलन के समर्थन में। केंद्र की मोदी सरकार लगातार विभागों को बेच रही है, कर्मचारियों से नहीं रुके, तो अब हम पंजाब के किसानों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने कि किसानों की लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर किसानों के आवाज़ को बुलंद किया है। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की तरफ पे पूरा देश की फसल को कारपोरेट घराना जो ये अडानी और अंबानी है इनके हाथों में सौंपना चाहते हैं और इसी को लेके तमाम किसान संगठन आज प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे हैं और सात बास के लोग जो हमारे किसान भाई हैं तमाम वर्ग से, ये नहीं कि एक वर्ग जा रहा है, 36 बिरादरी के लोग किसान इकट्ठा होकर दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वहीं पे जाके अपना डेरा जमा। एक अल्टीमेटम दिया है कि आज अगर वार्ता विफल हुई तो 8 तारीख का बंद होगा, भारत बंद होगा। 8 तारीख को पूरे देश का किसान और उसके साथ सभी संगठन इकट्ठा होकर बंद का ऐलान करेंगे और हम 8 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से समर्थन के लिए वहां जा रहे हैं और सर्व कर्मचारी संघ ने वहां पे किसानों की सुविधा के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है और खाने की व्यवस्था भी सर्व कर्मचारी संघ ने दिल्ली में टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे की। कोई पुतला वगैरह फूंक रहे? हाँ, अभी पुतला हमें माननीय मोदी जी, मुकेश अडानी जी और गौतम जी, इसका अडानी और अंबानी और मोदी जी का तीनों का हम पुतला किसानों के साथ किसान आंदोलन के समर्थन में फूकेंगे। आप बताइए, जनवादी महिला आपके अग्रसर है समिति की, आशा खन्ना जी, बताइए। हम जो ये कहना चाहते हैं, कृषि पे जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं ये बिल्कुल ही गलत है। ये किसान विरोधी मजदूरों के हक बिल्कुल भी नहीं है। इससे किसान भी मारा जाएगा और मजदूर भी मारा जाएगा। किसान तो इसलिए मारा जाएगा क्योंकि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देंगे। मुझे नेट सेल में बताइए, आज ये सारा पता है, सबको पता है, आपकी भी बात हमने आगे तक पहुंचाई। आज क्या कार्यक्रम है आपका? आज हम यहाँ मोदी सरकार का पुतला फूकेंगे जी, अंडाणी और बिडाणी का। अच्छा, क्यों फूकेंगे पुतला? क्योंकि ये सरकार है जो निकम्मी सरकार है, जो वादे करके अपने बीच में आई थी, वो सारे जब किसान इसके बात करते हैं वोट लेने हैं तो किसान का भाई बन जाते हैं, और नहीं तो कोई भाई नहीं है, कोई किसान नहीं है, कोई नहीं है, तो हम इसलिए इनका पुतला फूकेंगे। आज वहाँ बॉर्डर पे भी जाएंगी? हाँ जी, बॉर्डर पे भी जाएंगे। धन्यवाद। यानी कि सड़कों के बीच में ले आए हैं किसान, कितनी उनके अंदर आक्रोश है, कितना यानी कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल पुतला फूका जा रहा है मोदी सरकार का, अडानी उसके ऊपर दिखाया जा रहा है, अंबानी अडानी साथ नजर आ रहे हैं इस पुतले के ऊपर। थोड़ा सा आप देख रही है, एक संत यानी कि पुतला फूक रहा है मोदी सरकार का। किसानों के अंदर कितना रोष है, नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर पुतला फूका जा रहा है। उधर पांचवें दौर की वार्ता चल रही है, विफल होने के बाद ये 8 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान किया है। कितना रोष है, कितने रिजेंटमेंट है किसानों के अंदर, बिल्कुल विश्राम।
के सामने पुतला फूका जा रहा है और कैसे यानी कि इस पुतले की भी दुर्गति की जा रही है। कैसे आप देख रहे हैं कितना रोष है, कितना रिजेंटमेंट है किसानों के अंदर, पुतला फूका जा रहा है। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, सात बास खाप, राघो खाप, काले रामायण खाप, काजना खाप, सभी किसान नेता यहाँ, किसान वर्ग यहाँ पर है और उनके अंदर किसान विरोधी कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जो किसान से टकराएगा, दूर हो जाएगा। जो किसानों से टकराएगा, किसानों के अंदर कितना रोष नजर आ रहा है आपको कि पुतला फूका जा रहा है। ये एफिसिस है मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, ये पुतला फूका जा रहा है सड़क के बीचों बीच, बिल्कुल विश्राम गृह के सामने, जाट धर्मशाला के सामने, बिल्कुल ये पुतला फूका जा रहा है, जा रहा है। मेरे साथ है रविंदर मनिक जी जो सात बास से आते हैं, बताइए कि भी ये पुतला फूका है, क्यों फूका आ रहा नहीं है ये तीनों का? बताओ जो तीन काले कानूनों के खिलाफ फूका गया है, ये जो तीन अध्यादेश लाई है सरकार, इसके विरोध में हम पुतले फूक रहे हैं। अच्छा। और यहाँ दिल्ली कूच कर रहे हैं, सात बास का मतलब पूरे जत्थे का जत्था, रोगो खाप, सात बास, काले रामायण खाप, काजला खाप, कितने खापे आज वहाँ जा रही है, कितनी पहुँच चुकी है, वहाँ पूरा हिंदुस्तान पहुँचेगा 8 तारीख तक। अच्छा जी, अल्टीमेटम है किसानों का कि भी आज पांचवे दौर की वार्ता विफल रही तो पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख, बिल्कुल होगा ये, ऐसा आप भी समझ रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल। अच्छा जी, और क्या कहना आपका, बताइए, किसान हैं आप भी? हाँ किसान है जी। हाँ बताइए। बस अब दिल्ली जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं दिल्ली के लिए। कौन सी खाप जा रही है आप? सात बास जड़िया खाप। हाँ जी आप बताओ। सात बास खाप आज ही 11 गाँव है। अच्छा 11 गाँव है। 11 गाँव जी, खट्टर सरकार ने कहा था की मौके पर कि हरियाणा पंजाब के साथ नहीं है। हम दिखाते हैं हरियाणा वाले कि हम भी इस आंदोलन में हरियाणा बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और सरकार को लाने का काम करेगा। ये पंजाब का किसान बॉर्डर पर बैठा है, सिंधु बॉर्डर पर बैठा है, टिकरी बॉर्डर पर बैठा है, तो हरियाणा का किसान का पूरा समर्थन है उसको? अब सारा समर्थन है किसान हरियाणा का भी बहुत ज्यादा ज्यादा होगा और पंजाब में हम पंजाब से भी ज्यादा इस आंदोलन में भाग लेंगे हरियाणा वाले। पूरे देश का किसान साथ है, अकेला हरियाणा पंजाब को छोड़ो, आप यूपी नहीं है, राजस्थान नहीं है, एमपी नहीं है, ये तो मैंने सारा बताया। मैं एमपी से आया हूँ। आप क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह मलिक। कुलदीप सिंह मलिक जी, आप एमपी से तशरीफ फरमा है तो क्या कह रहे हैं, ये सरकार नहीं मान रही है आपकी बात, क्यों नहीं मान रही? तो मनाने के लिए तो आंदोलन चल रहा है ये, और किस लिए आए हम? अच्छा एमपी से पहुंचे हैं यहाँ? हाँ मेरा पैतृक गांव यहाँ है। मनवा देंगे, मान जाएगी सरकार, मान जाएगी सरकार, मान जाएगी, बिल्कुल मान जाएगी। देखिए कितने अस्वस्थ हैं ये किसान, इन्होंने पुतला फूका है सरकार का, कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, पंजाब के किसान को अकेला बिल्कुल नहीं रहने देंगे, पूरा हिंदुस्तान का किसान उनके साथ है, और आज यानी कि हरियाणा की बहुत सी खापे दिल्ली को कूच कर गई है और सात बास का जत्था पूरा का पूरा दिल्ली को जा रहा है। अगर अध्यादेश तीनों अगर सही है और जनता के इतने, किसानों के इतने हैं, तो प्रधानमंत्री किसानों के बीच में आकर के बयान करे और कर्मचारी किसानों को जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त कराए, ये बताए कि कानून ठीक है। मेरे साथ बाबा जी खड़े हैं, कहाँ के महंत हो, कहाँ के संत हो आप? मैं योगी संतोष नाथ महंत, सुल्तानपुर, सात बास 11 गांव। आपका भी आशीर्वाद किसानों को है? हाँ, हमारा पुतले को आग लगाई है, हमारा समर्थन किसानों को है, हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हमारा किसी राजनीति पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हमें हक है अपनी मांगे रखने का। बीजेपी कह रही है हम तो किसानों की ही बात कर रहे हैं, अध्यादेश किसानों के लिए लाए गए हैं, ये हमारे हमारे को किसानों को, किसानों ये है कि वो हमें MSP जो कानून है, या हमें कानून बनाया, कानून बनाया, या तो उसके ऊपर मान ले वो हटाया जाए, या हमें पूर्ण तरह से उस पर आश्वासन ऐसा देना चाहिए, अथवा हमें लिख के देना चाहिए अकि ये सब लागू होंगे।
साधु संत भी साथ आ गए हैं किसानों के, हर वर्ग साथ बताया जा रहा है कि हम किसानों के साथ हैं। देखते हैं ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इनका आगे क्या होगा।